सारंगपुर के गांव बोकड़ी में वैक्सीनेशन बड़ी ही तेजी से किया जा रहा है, जिसमें 18 प्लस के लोगों को प्रथम एवं द्वितीय डोज का टीका लगा। टारगेट 500 का दिया गया था, जिसमें से 385 डोज लग चुके हैं। वैक्सीनेशन में महिलाओं ने अधिक से अधिक भागीदारी निभाई। बारिश के बावजूद भी सेंटर पर वैक्सीन लगवाने के लिए दिन भर भारी भीड़ रही। सुबह 8 बजे से ही वैक्सीन कार्य प्रारंभ हुआ, जो दिन भर चलता रहा। सेंटर पर दिन भर भारी भीड़ रही। गांव के सरपंच विश्राम मीणा ने दिन भर ग्रामवासियों को वैक्सीनेशन के लिए प्रेरित किया। बहुत ग्रामीणों में बहुत अच्छा उत्साह है और हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक श्रीमंत महाराज राजवर्धन सिंह जी द्वारा 350 डोज भेजे गए हैं ग्राम पंचायत भोपड़ी में और ग्रामीण लोगों को उत्साहपूर्वक लगाया जा रहा है। सौभाग्य का हमारा छोटा सा गांव में उसमें वैक्सीन की व्यवस्था विधायक जी द्वारा उपलब्ध करवाई गई उनके प्रयासों से, तो गाँव वालों को सभी को बढ़िया बारिश के मौसम में सबकी वैक्सीन लग गई। अच्छा रहा और क्या, बढ़िया अच्छी व्यवस्था हुई गाँव की और क्या, गाँव वाले यही वैक्सीन लग गई, बाहर नहीं जाना पड़ा। वैक्सीनेशन को लेकर शहरों के साथ साथ गांव में भी इस प्रकार की जागरूकता काफी सराहनीय है। सारंगपुर से मृदुभाषी के लिए प्रदीप जैन की रिपोर्ट। मृदुभाषी से जुड़ने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।